यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ निजामाबाद पुलिस ने दिखाई ड्यूटी के दौरान कुशलता। दिनेश यादव अपनी पत्नी के साथ बनारस से दवा करा के अपनी बहन के घर गंदुई जाने के लिए 9 बजे रात्रि में फरेहा सड़क पर वाहन का इंतजार कर रहे थे तथा वाहन न मिलने पर महिला साथ में होने से काफी परेशान थी। तभी निजामाबाद SHO राजेंद्र प्रसाद सिंह और अपने हमराही सत्यम सिंह, दीपक मौर्य, अजय सिंह के साथ गश्त करते हुए उधर से आ रहे थे। तभी रास्ते में दोनों को परेशान देखते ही गाड़ी को रोक दिया तथा उनकी समस्या को जानकर कोई साधन नहीं मिलने पर सरकारी जीप से दोनों को उनके घर तक कुशलता पूर्वक पहुंचाया गया। निजामाबाद से श्याम जन्म यादव की खास रिपोर्ट। दिनेश यादव, पिताजी क्या नाम है? चेयरमैन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? खजराव। कहाँ से आ रहे थे आप? बनारस। कहाँ पे बनारस से कहाँ उतरे थे? हरियाणा। क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ गाड़ी का इंतजार। फिर क्या हुआ बताइए? फिर ये साहब लोग मिले, पुलिस के इस कार्य से आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कौन सा घर आपका है, कौन सी रिश्तेदारी आप यहाँ पड़ती है? बहनिया और मेरा। किस चीज के लिए बनारस गए थे आप? दवा के लिए। पुलिस के इस कार्य से ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, कभी नहीं। इस कार्य से आपको कैसा फील हो रहा है बताइए? बहुत खुशी महसूस होता है। क्या क्या खुशी महसूस हो रही है? यही खुशी महसूस होता है कि कोई नई साधन मिला था आप लोग घर तक छोड़े। इस कार्य को आप कितने लोगों से बताना पसंद करेंगे? कैसा लग रहा है आपको अंदर से? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैं फील हो रहा हूँ। आपको बहन जी, ये लोग आपके कौन से लोग, क्या लगते हैं आपके? ये हमारे सब लड़के। ये फरिया में मिले हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, वहाँ से ला के इनको यहाँ पे छोड़ा गया। ठीक।